कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है इस नाम की महिला, और अब इन्होंने आपके ऊपर फंदा लगा दिया है। एक शब्दों में कहें तो दोस्तों, ये औरत अब सारी हदें पार कर चुकी है। पिछले कई इसमें से यह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही थी, मसानी क्रिया कर रही थी, लेकिन दोस्तों, जब इसे कुछ नहीं हो पाया तो यह खुद तांत्रिक बन चुकी है, और अब इन्होंने यह ठान लिया है कि आपको जान से ही मार देंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम आप सभी के लिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनसे आप इस औरत से सदैव के लिए मुक्ति पा जाएंगे, और आप सभी का जीवन पहले से हजार गुना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस औरत की ऐसी आपके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, जिसे आपको कारोबार, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, हर क्षेत्र में दोस्तों, चाहे आपकी पारिवारिक जीवन हो, घर का माहौल हो, हर जगह पर इनका कला क्षेत्र छाया पड़ चुका है, जिनके कारण नकारात्मक शायद आपके चारों रहते हैं, जिसे दोस्तों आप सोच नहीं पाते हैं अच्छे कार्य करेंगे, वह कार्य भी आपका असफल हो जाता है। और जब भी आप किसी चीज में मन लगाकर कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका नहीं बन पाता है दोस्तों। इन सभी का श्रेय यही है कि उसे औरत की काली छाया आपके ऊपर है। दोस्तों, कहीं ना कहीं यह तांत्रिक बन चुकी है, इसकी वजह से आपके ऊपर भी इनका प्रभाव बन रहा है, और अब इन्होंने आपके गले में फंसे का फंदा लगा चुकी है। हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों, इन्होंने आपका नाम का एक पुतला बनाया है, और उसे पुतले के ऊपर यह रोजाना तांत्रिक क्रिया करती है, और दोस्तों, अब इन्होंने उसे पटल पर फांसी का फंदा लगाया है, और यह आपकी जान को लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अभी भी नहीं समझेंगे तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। यह महिला आप सभी के जीवन को धीरे धीरे खोखला कर देगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सुबह की जानकारी के लिए बता दें कि आज की इस वीडियो में इस महिला के नाम भी आपको बताने वाले हैं। ये महिला आपके रिश्ते में कौन लगती है और यह ऐसा क्यों कर रही है दोस्तों, सारी बात आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से पता चलने वाली है। और दूसरी, कौन सी उपाय आपको करना है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे सभी की जानकारी के लिए एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछले कुछ दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में ऐसी घटना हुई है जहां पर आप सभी का जीवनी होने वाला था, लेकिन दोस्तों, आपके ऊपर देवी का आशीर्वाद है। एक देवी आपके साथ हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखती है, जिसकी कारण आप हमेशा मुसीबत से बाहर आ जाते हैं। और दोस्तों, यह देवी आपके पीछे इसलिए है क्योंकि आप हमेशा अपने जीवन में अच्छा कर्म करते हैं। आप अपने कर्म पर पूरा विश्वास करते हैं कि हमने अगर अच्छा किया है तो हमारे साथ बुरा कैसे होगा। चाहे लोग आपकी बातों को समझे या ना समझे, उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता है, बस आप ईश्वर पर यकीन करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यह बात तो अच्छी तरह से जानते हैं, जो लोग जैसा करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपसे काम मेहनत करते हैं और आपसे ज्यादा सफल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान और ज्ञानी है, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपका समय कुछ ऐसा हो गया है कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं चारों तरफ से बनी हुई हैं, जिसके कारण दोस्तों, आपके सोने की क्षमता कम हो गया है, और दोस्तों, इसी के वजह से आपके दुश्मन भी आपसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपके जीवन में जितने भी परेशानी आई, अब वह परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अब आप फिर से एक नई उड़ान भरने वाले हो दोस्तों, अब आप सपनों की दुनिया में जाने वाले हो। और दोस्तों, जो अपने सपने सजाए हैं, जो अपने सपने में देखे हैं, वह चीज आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, हर चीज आसानी से नहीं मिलता है। कोई चीज अगर हमें पाना है तो हम उसके लिए जिस प्रकार मेहनत करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों, आपको भी अपने जीवन में इस नकारात्मक ऊर्जा को चीर कर सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाना है। यानी कि दोस्तों, जब आपके ऊपर इस औरत ने बुरी शक्तियों छोड़ी है, बुरा प्रभाव आपके ऊपर हुआ है, तो दोस्तों,
इसे मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और दोस्तों यह सब बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए यदि आप आज हमारे कहने पर कोई उपाय कर लेते हैं और गुरु शक्ति आपके ऊपर है जाती है और कल फिर आप वही गलती करोगे तो वह बुरी शक्तियों फिर से आपके ऊपर आ जाएंगे। तो आपको कुछ बातों का आगे भी ध्यान रखना है जिससे यह बुरी शक्ति आपके ऊपर कभी ना आए। जी हां दोस्तों, सभी के बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इतना हमारा आप सभी से विनती है, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को सर्वप्रथम एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और इसी के साथ दोस्ती, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपके ऊपर एक छोटी सी मुसीबत बन जाए तो हम अपनी रातों की नींद को छोड़कर आपकी समाधान को ढूंढने में लग जाते हैं और समाधान आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए रामलला का एक बहुत बड़ा संदेश आया है जिसे जानकर आप खुशी से नाच उठाया। प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में इस समय से परेशानियां चल रही थी, खींचतान चल रही थी, कुछ ना कुछ आपको ऐसी बातों में उलझा रखा था जिनसे आप परेशान चल रहे थे। अब उन सब परेशानियों का अंत होने वाला है। अब स्वयं रामलला आ गए हैं आपकी हर एक परेशानी का अंत करने के लिए और इसकी शुरुआत हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, कल दोपहर 12:29 से, जिसके बाद अगले 3 दिनों तक आपको 3 बड़ी खुशखबरी हम मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, कौन सी है वह बड़ी खुशखबरी है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी, जिस लिए आप अपना तड़प रही थी वह हर एक खुशी आपको मिल जाएगी। आपकी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह एक सुनहरा अवसर है जब बड़े ही लंबे इंतजार के बाद आपके जीवन में आया है। इसे बिल्कुल भी जाने मत देना प्यारे दोस्तों, इसका आपको पूरा लाभ लेना है और हम आपको बताएंगे कि इस विशेष सुनहरे अवसर का आपको कैसे लाभ लेना है। जी प्यारे दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए विशेष तौर से रामलला की भगवत कृपा उत्तर कराई है जो आपका उद्धार करने जा रही है। तो कैसे प्रभु श्री राम आपका उद्धार करेंगे और कौन सी है वह 3 बड़ी खबरें जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे, इन सारे विषयों पर हम आगे आपसे बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे बस एक ही निवेदन है कि ज्योतिष कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में भी बताएंगे जो आपके जीवन में बड़ी मुसीबतों का आने वाली इस सुनहरे अवसर को बर्बाद करने की पूरी मंशा रखता है। प्यारे दोस्तों, यह इंसान आपके जीवन पर गहरी नजर रखता है और इससे आपके जीवन के बारे में सब कुछ पता है। यह एक महिला है, यह आपकी आसपास ही है और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात किसे पता रहती है। हम इस महिला के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बस ऐसे में यदि आपने इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा तो आपको बेहतरीन ज्ञान का खजाना प्राप्त नहीं हो पाएगा और फिर हमें भी बहुत दुख होगा। यह हम चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाई है। प्यारे दोस्तों, है तो बनी रहे, ज्योतिष कार्यक्रम में हर एक बात को समझने का प्रयास करिए, ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखिए, बिल्कुल भी इसी बीच में छोड़कर जाना नहीं प्यारे दोस्तों, अन्यथा आप अपने दोषी स्वयं ही होंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता को याद करते हुए सच्चे भाव के साथ 2 मिनट में एक बार नहीं 3 बार लिखना जय मां भद्रकाली कृपा करो, क्योंकि माता की कृपा के बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं रह सकता है। हमारा और आपका जीवन माता के ऊपर ही निर्भर है, उनकी कृपा आप पर ही आश्रित है, तो फिर निश्चित तौर पर माता को याद करना तो बनता ही है। इसी के साथ साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी लिखकर कमेंट में भेज दें ताकि हम शनिवार के होने वाले हवन में आपके नाम से माई के दरबार में अर्जी लगा दें। आपके जीवन में माई की पूरी कृपा अवश्य ही पहुंच जाएगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटे का निशान है उसे भी अवश्य ही दबा दें। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हम जब भी कोई छोटा बड़ा अनुष्ठान माई के लिए करेंगे तो उसमें आपके नाम से अर्जित स्वयं ही लग जाएगी, क्योंकि अब आप हमारी चैनल परिवार की सदस्य बन चुके हैं। तो जल्दी से इस कार्य को करिए, ये बिल्कुल ही फ्री है। फिर आगे बढ़ते हैं। हम आपको बता दें कि अब आपके जीवन में समय का चक्र बदलने वाला है। बहुत ही जल्द आप प्रभु श्री राम की पूरी कृपा प्राप्त होने वाली है। अब चाहे आप किसी की भी साधक हो, किसी की भी पूजा आराधना करें, लेकिन आपके ग्रहों की चाल यह बता रही है कि भगवान श्री राम आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। प्यारे दोस्तों, यह महापरिवर्तन अगले 3 दिनों के अंदर होने जा रहा है और इस महापरिवर्तन में ना केवल आपको खुशियां प्राप्त होंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके शत्रुओं का भी अंत हो जाएगा। यह प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में आपकी तरक्की हो, यह तो अच्छी बात है, लेकिन आपके दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश होना भी बहुत आवश्यक है। और आपके अपनों में ही आपके शत्रु छुपे होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि बाहर से आने वाले शत्रुओं को पहचानना आसान होता है, लेकिन अपनों में ही छुपे शत्रु को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि कौन किस तरह से बच रहा है, कब घाट पहुंचाना चाहता है पता ही नहीं चलता, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। ऐसा आपके साथ कई बार हो चुका है, तो अब आप खुश हो जाइए। प्यारे दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह भी हद ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुनना है और बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। हम आपको गारंटी देते हैं कि जो भी भविष्यवाणियां हम आगे आपके जीवन के बारे में करने जा रही हैं, विश्व % सत्य होने जा रही है कि हमने बहुत गहराई से आपकी राशि में ग्रह गोचर का अध्ययन किया है और हमें अपनी लाल किताब और उसके बताए हुए आदेशों पर पूरा भरोसा है। हम आपको कहते हैं कि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उन्हें बस आप एक एक की छुट्टी जाना है और अपने जीवन में उतारना। प्यारे दोस्तों, आपके जो शत्रु है आप खुद जानते हैं और आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं। कोई आपके साथ कितना ही बुरा क्यों आकर जाए, लेकिन आप उसके लिए मन में छल नहीं रखते हैं, बुरा भाव नहीं रखते हैं, उसे माफ कर देते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मन में आपके तीस तो रह ही जाती है। अब आप दिखे कि आपके उसी शत्रु का आपके सामने ही मजाक पड़ेगा। जी हां प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिनों के अंदर यह घटना होने वाली है, जिसने कभी षड्यंत्र रच के भावनाओं में लेकर आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया था, आपका दुरुपयोग किया था, आपके रुपए पैसे और संसाधनों को लूटा था। अब आप देखेंगे कि अगले 3 दिनों में उसका पूरा तमाशा होगा। और एक सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों है कि RS2 पैसे को लेकर अब तक परेशानी चल रही थी, यानी कि जहां पैसा लगाया है वह अटक गया, जिसको दे दिया उधार उसने वापस नहीं दिया, और का धंधे में भी पूरा रुझान प्राप्त नहीं हो रहा था, मतलब कि सही लाभ नहीं हो रहा था, उम्मीदों के अनुसार फायदा नहीं हो रहा था। अब यह सारी समस्याएं धीरे धीरे फटने लगेंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपको कहीं ना कहीं से विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि सतर्कता ही आपका बचाव है। याद करिए वह समय जब आपके पास रुपए पैसे थी, यानी आपका जीवन ऐसो आराम में धन दौलत में भरा हुआ था, यानी कि आप जीवन का पूरा आनंद ले रहे थे। तब आपके पास कितने रिश्तेदार, कितने दोस्त यार थी जो आपके आसपास ही मर जाते रहते थे, लेकिन जैसे ही आपका पूरा समय आया तो बुरे समय के आने के तुरंत बाद ही आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। आपकी जरूरत के समय आपके अपने ही आपके साथ नहीं थे, आप अकेले ही खड़े दिखाई दे रहे थे। यही आपके जीवन की कड़वी सच्चाई है। और आपके जीवन में ऐसा समय में पिछली बार कई बार आ चुका, तो कम से कम इस बार अब आपको होशियार रहना है। जो भी लाभ आपको हो उनके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं। आपके अंदर यह एक छोटी सी कमी है कि आपको जरा सी खुशियां दिखाई थी कि आप तुरंत ही उनका बखान करना शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने अपनी हर एक बात खुलकर बता देते हैं। याद रखना प्यारे दोस्तों, इस संसार में कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, जब तक आप कष्ट में हैं तब तक लोग आपके हाल चाल लेते रहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं,
लेकिन जैसे ही आपके जीवन में खुशियां आएं, लोगों ने आपसे जलन के वशीभूत बात करना ही बंद कर दिया, यानी उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जी हां प्यारे दोस्तों, यहां पर श्रीमद् भागवत जी का एक दृष्टांत है जो आपको सुनना चाहिए। यह आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। एक बार लोहा और सोना आपस में बात कर रही थी। तू सोना लोहे से बोला था कि देखो भाई, पिटाई तो तुम्हारी भी होती है और मेरी भी होती है, लेकिन तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? हम तो इतना चिल्लाते भी नहीं हैं। तो लोहे ने सोने से कहा कि भाई देखो, जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम्हारी पिटाई करने वाली हथौड़ी लोहे की होती है, यानी कि तुम्हें कोई पराया ही पीट रहा है, इसलिए तुम्हें कष्ट तो होता है, लेकिन इतना अधिक कष्ट भी नहीं होता, क्योंकि औराई हाथों से मार खाने में ज्यादा दिल नहीं लगता है, बस चोट लगती है। लेकिन मेरी जब पिटाई होती है तो पीटने वाली हथौड़ी भी लोहे की होती है और लोहे को ही लोहा पीटता है। यानी जब इंसान अपनों के ही हाथों मार खाता है, तब न केवल शरीर पर चोट लगती है बल्कि उसके मन में भी चोट लगती है, इसलिए आवाज भी ज्यादा आती है। प्यारे दोस्तों, यह शायरी जो है एक वह बड़ी ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बनी है। दुनिया में कभी किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता है। यदि कुल्हाड़ी के पीछे के पेड़ का ही एक हिस्सा ना होता तो सुख अपनों से बचकर रहना ही आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान है और आवश्यक है, क्योंकि बाहर से आने वाले शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान बल और बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप सूट खाते हैं तो अपने दिल के हाथों में। प्यारे दोस्तों, इस अच्छे समय को गवा मत देना ना, अब ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में एक विशेष ग्रही योग बनने जा रहा है जो कल दोपहर 12:29 से शुरू होगा। इस ग्रह योग में बुध और गुरु दोनों आपकी राशि में लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे आपको व्यापार में काम धंधे में उन्नति देगा। आपकी आमदनी पर फायदा आपकी बौद्धिक पल कोशिश करेगा, इससे कि आपके रुपए पैसे की आवक बढ़ी कि आपके काम धंधे में उन्नति होगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, आप ऐसे फैसले जो कि आपको आगे चलकर बहुत लाभ देने वाले हैं, यानी कि आप जो भी सोचेंगे वह आपके लिए हितकर होगा। यह प्यारे दोस्तों बुध का यही काम होता है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि बुध को संपूर्ण ग्रह तालिका में एक बालक की उपाधि दी गई है, तो जहां बुद्धि के लिए जिम्मेदार है, आमदनी के आवक के लिए जिम्मेदार है, वहीं इसके अंदर लड़कपन काफी भाग होता है। तो आप भी कहीं ऐसा ना हो कि आपको लाभ प्राप्त होने लगे, कहीं से विशेष कोई डील, कोई अवसर, कोई मौका मिले और आप उसका बखान करने लग जाए, यानी लड़कपन कर जाए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना प्यारे दोस्तों, यह आपके लिए हितकर नहीं होगा। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, गुरु का यह विशेष ग्रह गोचर आपको बहुत लाभ देगा। अब गुरु जो कि सभी ग्रहों की और देवताओं की भी गुरु हैं, यानी कि आपके लिए मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा रहेगा। कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आप सही राय देगा, सही मशवरा देगा, जिसकी वजह से आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। अब वह इंसान आपके घर का भी हो सकता है, आपका कोई शुभचिंतक भी हो सकता है, या फिर कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है। जी हां प्यारे दोस्तों, और यह जो गुरु का गोचर है, यह आपके लिए तीन तरह से लाभदायक होगा। पहला, आपके परिवार में शांति और सुकून कायम होगी। आपके परिवार में आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके अच्छे संबंध होंगे, अच्छी चर्चा होगी। इसी के साथ साथ दांपत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी। जी हां प्यारे दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपको दांपत्य जीवन में बहुत ही अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने परिवार और अपने जीवन साथी से एक नई सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होगी। आपका मन अच्छा रहेगा और आप दुगनी शक्ति के साथ अपने काम धंधे व्यापार में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, जिससे आपकी कामयाबी के अवसर पर जाएंगे। अब यहां पर प्यारे दोस्तों, आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। ध्यान से सुने हम आपको जो बताने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो ग्रहों का गोचर है, यह केवल कुछ समय के लिए बना है, जीवन भर के लिए नहीं। तो सीधी सी बात है कि जीवन भर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और यदि आपको इसका लाभ लंबे समय तक लेना है तो उसके लिए आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय करना होगा, जो कि हम आगे आपको ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात, प्यारे दोस्तों, की एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन की हर एक खुशी पर पानी फेर देता है, और यह भी जो अच्छा समय योग बना है, इससे आपको जो खुशियां प्राप्त होंगी
इस पर भी पूरी तरह से वह पानी फेरने की तैयारी कर चुका है, तो वह कौन व्यक्ति है और कैसे वह आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो ज्योतिष कार्यक्रम पूरा देख भी रहे, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि एक भाग एक बात इस ज्योतिष कार्यक्रम की आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके लिए रामबाण औषधि के समान है। प्यारे दोस्तों को अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने मन के भाव पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। कहने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम के लिए आप अपने मन में भाव उत्पन्न करिए। हमारे कहने से आप अपने मोबाइल में भगवान श्री राम का वॉलपेपर लगा लीजिए। जब भी आप अपने फोन को देखेंगे तो आपको प्रभु श्री राम की याद आएगी। इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपकी मानसिकता परिवर्तन होगी। अब इस शुभ समय आपके जीवन में जो आया है, यह प्रभु श्री राम की देन है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु का विशेष जो गोचर है, उसके अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु का ही एक अवतार प्रभु श्री राम है, जो कि बेहद शालीन है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। और क्योंकि प्रभु श्री राम लल्ला का आगमन हो चुका है 22 जनवरी को, तो अब प्रभु श्री राम आपके जीवन में यही योग लेकर आए हैं और यह उनकी ही कृपा से आया है। बड़े लंबे समय से आप किसी अच्छी घटना के होने का इंतजार कर रही थी, इसी लोगों की बनने का इंतजार कर रही थी। अब तक लंबे समय से आपको सुविधाएं ऐसी सहूलियत प्राप्त नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। अब प्रभु की कृपा से आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब तीन तरह से लाभ आपको प्राप्त होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि रुपए पैसे की समस्या आपकी दूर होगी, काम धंधा व्यापार में आपकी उन्नति होगी, नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी पदोन्नति के आसार भी बन रहे हैं। इसी के साथ सर प्यारे दोस्तों, आपकी जो छुपे हुए शत्रु हैं वह आपके सामने ही अपमानित होंगे, आपके सामने ही उनका सामान हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा सिस्टम है जो छुपा हुआ है और आपका लंबे समय से शोषण कर रहा है, दुरुपयोग करता चला आ रहा है। प्यारे दोस्तों, ये आपके अपनों में ही छुपा हुआ है। अब इसके बारे में हम आपको सारी बातें में विस्तार से बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि इन दो ग्रहों की जो युति है, जो योग है, इसका पूरा लाभ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा उपाय है प्यारे दोस्तों, इसे यदि आप कर लेंगे तो इनकी ऊर्जा में बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाएंगे, यानी कि प्रबल हो जाएगी यह ऊर्जा और आपको धीमी गति से लाभ पहुंचाएगी। और यह इतना छोटा और सरल है कि इसे आप बड़ी आसानी से चुटकी बजाते ही कर पाएंगे। तो ध्यान से सुनिए इस उपाय को कि आपको करना क्या है। जब भी आप घर से बाहर निकले, या प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपको एक पान का पत्ता और एक इलायची हिंदुस्तान का एक छोटा सा पत्ता और एक इलायची अपने मुख में रख लेनी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, उसे चलाना नहीं है, बस मुख्य में रख लेना है, और अपनी जेब में थोड़ी सी पीले चावल की, हाँ दोस्तों चावल थोड़ी से लेने हैं आपको, और उनमें हल्दी लगा लेनी है। बस इन चावल को अपनी जेब में डाल लेना है। अब यहां पर आपको ध्यान यह देना है कि आप अपनी पेंट की पीछे की जेब में चावल को ना डालें, डालें तो आगे की जेब में डालें और दाहिने तरफ खाली जेब में डालें। बेहतर होगा कि आप अपनी शर्ट की जेब में डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी कागज में लपेट कर एक पुड़िया बनाकर आप अपनी जेब में रख सकते हैं। बस इतना सा आपको कार्य करना है और प्रभु श्री राम की वॉलपेपर अपने मोबाइल पर लगा लेनी है। इन कार्यों को करें और आप देखेंगे कि इन्हीं ग्रहों की ऊर्जा आपके लिए दुगनी गति से लाभ पहुंचाएगी। ऐसा इसलिए होगा प्यारे दोस्तों कि आप अपने आसपास जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसे सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगे। जी हां प्यारे दोस्तों, आपका आभा मंडल तीव्र गति से सकारात्मक हो जाएगा और आपसी लाभ पहुंचाने वाले गए हैं वे पूरी तरह से खिलाफ पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके पेट में जब दर्द होता है, डॉक्टर आपको दवा दे देता है। अब वह दवाई आपके दर्द को ठीक नहीं करती है, बस उनकी जादू को मार देती है जो दर्द पैदा कर रहे हैं, जो बीमारी पैदा कर रहे हैं। बाकी आप स्वयं का शरीर ही अपने आप को ठीक कर लेता है। इस प्रकार जब आप सकारात्मक ऊर्जा अपनी आसपास एकत्रित कर लेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को भगा देंगे। ग्रहों की जो शुद्ध ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको लाभ पहुंचाना चाहती है,
वह स्वयं ही आपको बड़े बड़े लाभ तक पहुंचा देगी। इसी के साथ साथ प्यारे दोस्तों, कुछ छोटे छोटे दैनिक उपाय हैं जिनको भी आपको अवश्य करना चाहिए। और यह उपाय क्या है? पहला, आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। जब भी आप भोजन करने बैठे तो अपने भोजन करने से पहले अपने पुत्र पूर्वजों का आवाहन करें। आंख बंद करके हाथ जोड़कर इत्र पूर्वजों का आवाहन करें और उनसे कहें कि आप इस भोजन को ग्रहण करिए, इस भोजन से तृप्त हो, यह तब हम इस भोजन को पाएंगे। ये प्यारे दोस्तों आपको अपने मन में बोलना है या यूं कहें कि सोचना है। बस इतने से ही काम हो जाएगा। आपके पितरों की जुड़ जाए हैं, मैं तुरंत उस भोजन में से अपने हिस्से को ले लेंगे। अब यहां पर कोई आपके साथ भोजन खाने वाला नहीं है। यह ऊर्जा ओके लेन देन की बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, जब आप इतनी सी क्रिया करेंगे, आप देखेंगे कि आपके मित्र पूर्वज बेहद संतुष्ट हो जाएंगे और जापान हो जाएंगे। और याद रखें कि आपके घर के पहले रक्षक आपके मित्र ही हैं, जो प्यारे दोस्तों आपकी पहले देवता पितर देवता ही हैं। यदि उन्हें आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र देवी देवता आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। ये बड़ी दुख की बात है, लोग इन बातों को समझते ही नहीं है। छोटी छोटी कन्याओं को लोग भुला चुके हैं। तू नारायण को जल देने से लेकर दो पुत्र करने तक की छोटी छोटी के लिए आए हैं। कुछ नहीं तो स्नान करते समय थोड़ा सा चल अपनी अंजुरी में भरकर अपने पितृ देवताओं के नाम से यदि आप छोड़ देंगे तो पितर देवताओं की प्यास मिट जाएगी। तब तो हो जाएंगे, लेकिन लोग इन सब कार्यों को करना फिजूल समझते हैं। हम समझते हैं, ढकोसला समझते हैं, और उसका नतीजा यह है कि अब आज के समय में पैसा होने के बावजूद, सुविधाएं होने के बावजूद, लोगों के दिल में चैन नहीं है। एक दूसरे से खींचतान मची हुई है। रिश्ते ना तो में तनाव है, सुकून नहीं है। दवाई खा खा कर लोग सो रहे हैं, यानी कि नींद तक नहीं आ पा रही है। आपकी आत्मा घूम रही है सुख चैन को, आपसे सूख रही हैं, चूस रही हैं, आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रखती हैं। जी हां प्यारे दोस्तों, हमारे कहने से इन छोटे छोटे कार्यों को भी आप अवश्य ही किया करिए और आप देखेंगे कि आप इसके लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। भी सच्चाई, धन दौलत आए या ना आए, लेकिन आपका काम चलता रहेगा, आपके मन में सुकून बना रहेगा। और वैसे भी कहावत तो यही कही गई है, बेशक चाहे तू रोटी मिले लेकिन चैन की मिले, इसी से जीवन पार हो जाता है। बाकी क्या करना है, क्या होना है और कैसे होना है, सब कुछ उस विधाता ने पहले ही सोच रखा है। यदि उसने आपको देने के बारे में सोचा है तो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। और यदि जीने के बारे में लिख दिया है, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती है। यही विधि का विधान है। तो की बारीकियों को आप समझिए, अब बात करती हैं उस एक इंसान के बारे में प्यारे दोस्तों। वह एक महिला है ये प्यारे दोस्तों, और उसका नाम जहां से शुरू होता है, यानी कि अंग्रेजी के अक्षर। जैसे यह प्यारे दोस्तों, इस महिला से आपको सतर्क रहना है। ये आपके परिवार में हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में या रिश्तेदार में हो सकती है, लेकिन जहां भी यह महिला है, आप ऊपर पूरी नजर बनाकर रखती हैं और आप प्रताड़ित करती हैं। आपकी खुशियों को बर्बाद कर देना चाहती है, और पहले भी कई बार इसने ऐसे प्रयास किए हैं। ये सब हम हमारी के द्वारा बताई गई अनुभूतियों के आधार पर आपको बता रहे हैं। बस आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यदि आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म हैं या आपके देवी देवताओं की प्रबल कृपा आपके ऊपर है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में ना भी हो, लेकिन अधिकतर आपकी राशि के जातकों के जीवन में ऐसा कोई ना कोई सदस्य अवश्य ही है। या फिर हो सकता है कि उसका नाम भी अलग हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में इसी नाम का एक जातक है जो किराए पहुंचाता रहता है। इन सब बातों से बढ़कर जरूरी बात यह हम आपको बता दें कि आपके लिए सतर्कता एकमात्र बचाव है, और भगवत कृपा ही आपकी परेशानियों से मुक्ति का मार्ग। जी हां प्यारे दोस्तों, जो सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ रहे और सतर्क अवश्य ही रहे, क्योंकि आपका जब भी शोषण होगा अपनों के द्वारा ही होगा। वह मीन है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और इन बातों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ लाभ अवश्य ले आएंगे। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली कृपा करो,
जय श्री राम कृपा करो, अवश्य लिख देना और माता भद्रकाली की कृपा प्राप्त होगी। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राम, जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी।